Students, so today we are going to read chapter 3 of class 5th social science, term 3, some great personalities. In this chapter we will learn about Rabindranath Tagore, J.R.D. Tata, Sir C.V. Raman and Baba Amte. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, J.R.D. टाटा, सर C.V. रमन और बाबा आमटे के बारे में. टू बिगिन विथ, आइए शुरुआत करते हैं. राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग पर्सनैलिटीज, आपको इन पर्सनैलिटीज़ के नाम लिखने हैं. इन इंडिया देयर बोर्न मैनी ग्रेट मैन एंड वुमेन हु कैन नेवर बी फॉरगॉटन. देयर हार्ड वर्क एंड अचीवमेंट्स हैव हेल्प्ड टू चेंज एंड इम्प्रूव अवर सोसाइटी इन वेरियस वेज. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम. इंडिया में बहुत सारे ऐसे ग्रेट मैन और वुमेन हुए हैं जिनको हम भूल नहीं सकते. उनके हार्ड वर्क और अचीवमेंट्स के कारण बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स और बहुत सारे चेंजेस आए हैं सोसाइटी के वेज में. आइए हम उन्हीं में से कुछ के बारे में पढ़ते हैं. तो पहले हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता. रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में कलकत्ता में हुआ, जो आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है. वो एक बहुत ही ग्रेट पोएट थे, राइटर थे, म्यूजिशन थे, पेंटर थे और फिलोसोफर थे. उनके फादर का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था. रविंद्रनाथ टैगोर को बंगाल के फोक म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था. उन्होंने हमारा नेशनल एंथम जनगणमन उन्होंने ही कंपोज किया था. रविंद्र संगीत जो है वो आज भी पॉपुलर है. टैगोर ने 3000 से ज़्यादा कविताएं लिखी है. उनको उनके लिटरेचर के लिए नोबल प्राइज़ मिला था 1913 में. उन्होंने एक बुक लिखी थी, फेमस बुक थी वो उनकी, गीतांजलि नाम की. उनका ये मानना था कि एजुकेशन ही एक ऐसा तरीका है जो इंडिया के प्रोग्रेस में मदद कर सकता है. उन्होंने इसीलिए एक स्कूल स्टार्ट किया था शांति निकेतन बंगाल में 1901 में, जो आज विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाता है. उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस स्कूल को टाइम दिया और जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई तब तक उन्होंने इस स्कूल को टाइम दिया. उनकी डेथ हुई 1941 में. अब आइए हम पढ़ते हैं जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा के बारे में. जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, पॉपुलरली नोन एज J.R.D. टाटा. जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, जो कि पॉपुलरली J.R.D. टाटा के नाम से जाने जाते हैं, वो एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे. उनका जन्म 29 जुलाई 1904 को फ्रांस में हुआ था. उनके जो फादर थे R.D. टाटा वो पारसी थे और उनकी मदर जो थी सुजैन बेराइर वो एक फ्रेंच लेडी थी. उन्होंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्रांस से कंप्लीट की और फिर इंजीनियरिंग की डिग्री रिसीव की इंग्लैंड से. उनका जो फर्स्ट पैशन था वो था फ्लाई करना और वो फर्स्ट इंडियन थे एज अ पायलट क्वालिफाई करने के लिए. फिर उन्होंने इंडिया में आके कमर्शियल एविएशन ले लिया और फिर उन्होंने अपनी खुद की एक एयरलाइन फाउंड की जिसका नाम रखा उन्होंने टाटा एयरलाइन, जो बाद में एयर इंडिया के नाम से जानी जाने लगी 1946 में. अब यहाँ पर J.R.D. टाटा के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे हम कंट्री के लिए. 1930 में जब J.R.D. टाटा 34 की एज में थे तो उनको टाटा एंड सन्स ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया था, जो 1868 में उनके अंकल ने इस्टेब्लिश की थी, जमशेदजी टाटा ने इस्टेब्लिश की थी. J.R.D. टाटा जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था 14 इंटरप्राइजेस के साथ और फिर जब उन्होंने टाटा एंड सन्स को लेफ्ट किया तो उनकी टोटल 95 इंटरप्राइजेज हो गई थी. उनके कुछ मेजर इस्टेब्लिशमेंट जिसने कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद की वो कौन से थे देखते हैं हम. टाटा स्टील, जो पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी टिस्को के नाम से. टाटा मोटर्स जो ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करता है. टाइटन इंडस्ट्री जो रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर करता है. तनिष्क जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करता है.
टाटा टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेलको जो लोकोमोटिव्स बनाती है इंडियन रेलवेज के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फॉर्मरली नॉन एज टाटा इंस्टीट्यूट एट बेंगलुरु, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये एक लार्जेस्ट प्रोवाइडर है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हर फील्ड में एजुकेशन से लेके साइंस से लेके मेडिसिन तक, एजुकेशन से लेके आर्ट्स तक टाटा ने हर फील्ड में काम किया है। उनकी सर दोराबजी टाटा के अंडर में गाइडेंस के अंडर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्टेब्लिश की उन्होंने। उन्होंने एक कैंसर हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया था, टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर एंड रिसर्च ट्रीटमेंट जो बॉम्बे में था, 1941 में उन्होंने यह हॉस्पिटल स्टार्ट किया था। उन्होंने एक सोशल साइंस इंस्टीट्यूट भी फाउंड आउट किया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी उन्होंने फाइंड आउट किया था। जे आर डी टाटा वॉज अ केयरिंग ह्यूमन बींग, ही रेस्पेक्टेड दोज हु वर्कड विथ हिम एंड फर्मली बिलीव्ड इन एम्प्लॉय वेलफेयर, ही सपोर्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ एन 8-hour वर्किंग डे, फ्री मेडिकल एड वर्कर्स प्रोविडेंट स्कीम एंड एक्सीडेंट कंपेंसेशन स्कीम्स, लेटर दीज वर लीगली अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब जे आर डी टाटा जो थे उन्होंने अपने वर्कर्स को वो रेस्पेक्ट करते थे, अपने वर्कर्स की एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए काम करते थे। उन्होंने 8-hour वर्किंग डे को के प्रिंसिपल को सपोर्ट किया और उनके वर्कर्स को वो प्रोविडेंट स्कीम, एक्सीडेंट कंपनसेशन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करते थे वो उनके वर्कर्स को, जो बाद में लीगली एडॉप्ट की इंडियन गवर्नमेंट ने। ही वॉज वेल नोन फॉर मेंटेनिंग एथिकल स्टैंडर्ड इन बिजनेस लाइक रिफ्यूजिंग ब्राइब एनीवन एंड नॉट यूजिंग ब्लैक मार्केट। वो एथिकल मार्केट को, एथिकल मार्केट स्टैंडर्ड को उन्होंने अपनाया, जैसे ब्लैक मार्केट को रिफ्यूज़ करना। जे आर डी टाटा को पद्म विभूषण मिला था 1957 में, उनको भारत रत्न मिला था 1992 में। वो ही वॉज वन ऑफ फ्यू पीपल वर अवार्डेड भारत रत्न ड्यूरिंग द देयर लाइफ टाइम। उन्होंने वो उनको भारत रत्न मिला था। जे आर डी टाटा डाई इन जेनेवा इन 29 नवंबर 1993 एट एज ऑफ 89। जो जे आर डी टाटा थे उनकी डेथ हुई 1993 में, 89 की एज में। उनकी ऑनेस्टी और परफेक्शन और कमिटमेंट वर्क का वो हर इंडियन को एक इंस्पिरेशन देता है। अब आइए हम पढ़ते हैं सर सीवी रमन के बारे में। चंद्रशेखर वेंकट रमन, पॉपुलरली नोन एज सीवी रमन, वॉज बोर्न ऑन 7 नवंबर 1888 इन त्रिचीपली, तमिलनाडु। हिज फादर वॉज लेक्चरर इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, एंथुसियाज्म फॉर वर्क एंड एन इंटरेस्ट टू लर्न न्यू थिंग्स वर नेचुरल टू रमन। अब चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो पॉपुलरली सीवी रमन के नाम से जाने जाते थे, उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ त्रिचीपली तमिलनाडु में। उनके फादर जो थे वो लेक्चरर थे मैथमेटिक्स और फिजिक्स के। उनके एंथुसियाज्म और इंटरेस्ट वर्क करने का और नई चीज़ें सीखने का वो रमन में नेचुरल था। सीवी रमन वॉन गोल्ड मेडल इन 1904। सीवी रमन ने गोल्ड मेडल जीता था 1904 में, जब उन्होंने फर्स्ट प्लेस सिक्योर की थी बीए फिजिक्स प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में। और 1907 में उन्होंने उनके क्लास टॉपर रहे थे वो, उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। और फिर उनकी शादी हुई लोक सुंदरी अम्माल से।
Raman joined the finance department as an assistant accountant general in Kolkata. He used to visit the laboratory of Indian Association for the Cultivation of Science. After office hours, there he continued his research while working. Raman ने उसके बाद एक इंडियन फाइनेंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया एज अ असिस्टेंट अकाउंटेंट जो कि कोलकाता में था. उन्होंने वो एक लेबोरेटरी भी विजिट करते थे, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस की लेबोरेटरी उन्होंने विजिट की उनके ऑफिस आवर्स के बाद, और वहाँ पर उनकी रिसर्च जो थी वो कंटिन्यू चलती रहती थी उनके वर्किंग के बाद. इन 1917 रमन जॉइन एज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता. ही वर्कड देयर फॉर मेनी ईयर साइमल्टेनियसली ही कंटिन्यूड डूइंग रिसर्च एट द IACS where he also became the honorary secretary. During his tenure he received worldwide recognition for his work in optics and scattering of light. 1917 में रमन ने एज अ फिजिक्स प्रोफेसर ज्वाइन किया कोलकाता की यूनिवर्सिटी में. उन्होंने अपने काम से सारे दुनिया का दिल जीत लिया. उनकी रिसर्च भी अभी चली रही थी IACS में, और उनको IACS का ऑनररी सेक्रेटरी बना दिया था. उनको बहुत रिकॉग्निशन मिला इस वर्क के लिए. ही वॉज इलेक्टेड टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन इन 1924. ही वॉज मेड अ नाइट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 1929. इन 1930 ही वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क स्कैटरिंग ऑफ लाइट. इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट एन इंडियन साइंटिस्ट एजुकेटेड एंटायरली इन इंडिया got his highest honor in science. His discovery was later named the Raman effect. Even today we celebrate 29 February as the National Science Day every year to commemorate Raman's discovery. 1929 में उनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के लिए इलेक्ट किया गया. उनको लेबर प्राइज मिला था उनके स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन्वेंशन के लिए. बाद में उनके इन्वेंशन का नाम रखा गया रमन इफेक्ट. और आज भी हम 29 फरवरी को एज अ नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं रमन की डिस्कवरी को कॉमेमोरेट करने के लिए. अब हम पढ़ते हैं बाबा आमटे के बारे में. मुरलीधर देवीदास आमटे पॉपुलरली नोन एज बाबा आमटे वॉज बोर्न 26 दिसंबर 1914 इन हिंगनघाट इन वर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. मुरलीधर देवीदास आमटे जो पॉपुलरली बाबा आमटे के नाम से जाने जाते थे, उनका जन्म हुआ 26 दिसंबर 1914 को हिंगड़ वर्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में. द सीड्स ऑफ सोशल सर्विसेज वर सोन अर्ली इन बाबा आमटे. ही ऑफन एट विथ सर्वेंट्स एंड प्लेड विथ पुअर चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ हिज पेरेंट्स डिसअप्रूवल. आमटे ग्रू अप एट अ टाइम व्हेन इंडियंस वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ लॉयर. He got involved in an Indian freedom struggle and acted as a defense lawyer for the leaders imprisoned in the 1942 Quit India movement. अब जो बाबा आमटे थे उनमें सोशल सर्विसेज करने की इच्छा बचपन से ही जाग गई थी, बहुत जल्दी जाग गई थी. वो पुअर चिल्ड्रन की हेल्प करते थे, उनके साथ खेलते थे, जबकि उनके पेरेंट्स को डिसअप्रूवल होता था इस बात से. जैसे जैसे आमटे बड़े होते गए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने एज अ लॉयर ज्वाइन किया, और उसके बाद वो
फाइट करने लगे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। उन्होंने अपना करियर एज अ लॉयर स्टार्ट किया, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया और एक्ट किया एज अ डिफेंस लॉयर जब लीडर्स को कैद कर दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। आमटे डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द कॉज ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड डाउन ट्रोडन। ही फर्स्ट टुक अ कोर्स ऑन केयर एंड लेप्रोजी पेशेंट्स, देन ही सेटल्ड डाउन इन चंद्रपुर महाराष्ट्र एंड एक्वायर्ड 250 एकर्स ऑफ लैंड फॉर हिज आश्रम। दिस आश्रम बिकेम अ होम फॉर द डेस्टिट्यूट एंड होमलेस, मैनी ऑफ होम वर लेप्रोसी पेशेंट्स। बाबा आमटे हेल्प ईच वन ऑफ देम एंड एक्वायर स्किल्स। दिस पीपल अंडर बाबा आमटेज गाइडेंस ट्रांसफॉर्म्ड दिस रॉकी बैरन लैंड इंटू अ मॉडल फार्म। दे प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर द नेबरिंग विलेजेस एट द फार्म एंड बिकेम इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशेंट। द फार्म इज पॉपुलरली नेम नॉन एज एबोडे ऑफ जॉय एंड अंदवान। ही ऑल्सो फाउंडेड सेवरल अदर आश्रम्स लाइक सोमनाथ, अशोकवन एंड ट्रीटिंग लेप्रोसी पेशेंट्स। अब जो आंटे थे वो लेप्रोसी पेशेंट को भी ट्रीट करते थे अच्छे से। उन्होंने फिर वो सेटल हो गए चंद्रपुर महाराष्ट्र में। उन्होंने 250 एकड़्स की जमीन पे एक आश्रम बनाया जो लेप्रोसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बनाया था उन्होंने, जिनको होमलेस कर दिया था, जिनका घर छीन लिया गया था, और उनको स्किल्स सिखाई कि कैसे आप इस बैरन लैंड को वापस से एक जीती जागती ज़मीन बना सकते हो। इस पे वेजिटेबल्स उगाए उन्होंने और डेयरी प्रोडक्ट्स स्टार्ट किए। और ये जो फार्म था उनका एबॉट ऑफ जॉय आनंद वन के नाम से जाना जाता था। उन्होंने और भी बहुत सारे आश्रम्स खोले बाद में, जैसे सोमनाथ, अशोक वन, और उन्होंने वहाँ लेप्रोसी पेशेंट्स को ट्रीट किया। इन 1990 आमटे लेफ्ट आनंद वन टू लीव अलोंग द नर्मदा रिवर। ही ज्वाइंट नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेव नर्मदा मूवमेंट। दिस मूवमेंट वॉज फाइट अगेंस्ट अनजस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल लिविंग देयर एंड डैमेज टू द इन्वायरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर। बाबा आमटे फेल इल एंड पास्ड अवे इन आनंद वन ऑन 9th February 2008 एट द एज ऑफ 93। 1990 में बाबा आमटे ने आनंद वन छोड़ दिया और नर्मदा किनारे रहना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन ज्वाइन कर लिया, सेव नर्मदा। वो उन पीपल्स के खिलाफ था जो कि लोकल पीपल्स थे, जो वहाँ के इन्वायरमेंट को कंस्ट्रक्शन के लिए, सरदार सरोवर डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए डैमेज कर रहे थे इन्वायरमेंट को। बाबा आमटे बीमार पड़ गए और उनकी डेथ हो गई आनंद वन में 9th February 2008 में। 93 की एज में उनकी डेथ हुई। तो आइए अब हम टिक द करेक्ट ऑप्शन करते हैं इस चैप्टर के। जेआरडी टाटा वॉज बॉर्न इन फ्रांस, वेरी गुड। टिस्को प्रोड्यूसेस आयरन एंड स्टील, वेरी गुड। सर सीवी रमन वॉन द नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स, वेरी गुड। सर सीवी रमन वॉन द नोबल प्राइज इन 1930 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ स्कैटरिंग लाइट। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर हिज बुक गीतांजलि इन 1913। जे आर डी टाटा बिकेम द चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप इस्टेब्लिश्ड बाय हिज ग्रैंड अंकल जमशेदजी टाटा। जे आर डी टाटा रिसीव्ड द क्या मिला था उनको बताइए।
Padma Vibhushan, very good. So this chapter is finished.